अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारा वो है हाउ टू ट्रांसप्लांट स्मॉल प्लांट्स इनटू न्यू पॉट। मींस कि आपके पास जो पनीरी है या छोटे गमले हैं, कोई छोटा पॉट है या बड़ा पॉट है कोई, उसको हम दूसरे पॉट में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं प्लांट को। ये हमारे पास एडीनियम की पनीरी हमने तैयार की थी, इसको जो है हम आज लैदा लैदा पॉट में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पनीरी की जो है साइज़ बढ़ गया है, इसलिए जो है अब इसको हर एक प्लांट को न्यू पॉट में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। चलाएं वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो पनीरी को शिफ्ट करने के लिए हमने सेलेक्ट किए हैं ये प्लास्टिक के स्मॉल पॉट्स, ये आपको गार्डनिंग शॉप से कहीं से भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ये आप जो है ये पॉट्स ले आएँ, ध्यान रहे कि उनके नीचे ड्रेनेज होल लाजमी हो, ड्रेनेज होल नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा मसला होगा। तो चलाएं वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, इसके अंदर पहले हम रखेंगे एक पत्थर ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। जी ये देखें, ड्रेनेज होल जो हमारा कवर हो गया, इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी मिट्टी। थोड़ी सी मिट्टी ऐड करने के बाद उसको हम प्रेस कर लेंगे नीचे से, ताकि जब हम पानी दें तो वो नीचे से ड्रेन ना हो जाए एकदम से। और मिट्टी ऐड करेंगे। आपने जो है कब फुल भर लेना है मिट्टी से, इसको आपने प्रेस नहीं करना, मिट्टी को प्रेस नहीं करना आपने, ऐसे भर के जो है आप इसको साइड में रख लें। आपने कोई भी चीज़ लेनी है, आपके पास कोई भी टूल हो आप उससे भी निकाल सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल ये कैंची अवेलेबल है, तो जो है मैं कैंची से प्लांट निकालने की कोशिश करता हूँ। आपने इसको ऐसे नीचे ले जाके थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो प्लांट जो है ऑटोमेटिकली आपका बाहर आ जाएगा और उसकी रूट्स भी डैमेज नहीं होंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्लांट जो है एडीनियम का एक सेपरेट हो गया है, इसकी रूट्स भी जो है वो डैमेज नहीं हुई। अब हम इसके अंदर करेंगे एक छोटा सा होल अपने पॉट के अंदर, जो हमने मिट्टी डाल के तैयार किया था। इसके अंदर हम करेंगे, फिंगर से कर लें आप, चाहे आप किसी टूल से कर लें, मैं फिंगर से कर रहा हूँ। इसके अंदर होल करने के बाद आपने जो है सिंपल इसको इसके अंदर ऐसे ड्रॉप कर देना। इसको ड्रॉप करेंगे, इसको ड्रॉप करने के बाद आपने जो है सेंटर देख लीजिएगा कि आप प्लांट जो है वो सेंटर में लगा है। प्लांट लगाने के बाद आप जो है इसको थोड़ा सा इसको ऐसे ज़मीन पे प्रेस करेंगे तो इसके जो एयर बबल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। नहीं जी, आपका जो है वो प्लांट इजीली ट्रांसफ़र हो गया है। बिगनर्स जो होते हैं वो डरते हैं कि कहीं हमारा प्लांट ख़राब ना हो जाए, कहीं इसकी ग्रोथ ना रुक जाए। देखें, जितना आप प्लांट की केयर करेंगे उतना ही जो है प्लांट आपका ख़राब होने का ख़तरा है। आप 24 घंटे उसके पास बैठे रहेंगे कि ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा, इसके न्यू लीव्स नहीं निकल रहे, इसकी फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो और कम हो जाएगी। इससे बेहतर है आप प्लांट्स को उनके हाल पे छोड़ दें, जैसे वो ग्रोथ करते हैं उन्हें कर लेने दें, केयर करें। मैं ये नहीं कहता कि आपसे कि उनकी बिल्कुल ही केयर ना करें, आप उनकी केयर करें पर हद से ज़्यादा ना केयर करें। हद से ज़्यादा केयर करेंगे तो प्लांट ख़राब हो जाएंगे आपके। इसको जो है मैं बाकी प्लांट तैयार कर लेता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ मैं। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैंने अपने एडीनियम के सारे प्लांट जो है वो शिफ्ट कर लिए हैं, बिल्कुल सेम मेथड के साथ जो मैंने अभी आपको बताया है। जी, तो अब टाइम है इनको पानी देने का, तो चलाइए इनको पानी देते हैं। आप कोशिश करें कि जो न्यू प्लांट आपने शिफ्ट किया है उनका साइज़ छोटा है,
तो आप कोशिश करें इनको शावर से पानी दें, शावर से पानी दें। शावर आप वो हैंड शावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कपड़े प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या गार्डनिंग शॉप से मिलता है वो पाइप बटन वाला शावर, आप वो ला सकते हैं। उससे इजीली जो है वो सीडलिंग को भी पानी दिया जा सकता है और छोटे प्लांट को भी। बहरहाल हम जो है इसको पाइप से पानी देंगे। जी फ्रेंड्स, तो हमने इनको पानी भी दे दिया है। बिगनर्स लोग जो हैं वो कोशिश करें कि जो पानी का जो शावर है वो बिल्कुल बारीक हो, प्लांट जो है वो अपनी जगह से ना हिले। और जो माशाल्लाह थोड़े से प्रोफेशनल लोग हैं उनको तो आइडिया होता ही है कि पानी कैसे देना है। ये कुछ प्लांट्स जो हैं ये मैंने रखे हुए थे के वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। और ये कुछ प्लांट्स हैं ये मैंने पहले शिफ्ट कर लिए हुए थे, ये भी एडीनियम के ही हैं, उसी पॉट से निकाल लिया मैंने। वो कुछ प्लांट्स मैंने रख लिए थे ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो या किसी भी प्लांट की केयर के बारे में, गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको वो वीडियो फराहम कर दी जाए। हमारी वीडियो का टॉपिक ख़त्म हो गया है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।